Hello and welcome, students, in your online English class provided by your school. So, it's in Conventy School. So, I hope all of you will be very good and doing your study with your online classes perfectly, as well as your, the homework you are getting from your schools, you are also doing regularly. Okay? And today, I am here with your English reader book for class first. So, let's start that what we are going to do today. Okay? As this is our book and uh, this is our first chapter we, you know that we have done it with their complete exercises okay and uh, now the chapter number 2 we have done it also with their exercises okay and we have done the chapter number 3 helen keller also okay in our previous class students we were reading the chapter number 4 that is the cubs teacher shavak ka teacher ya adhyapak okay An interesting story of a jungle, okay, where the lion is searching for a teacher for his cub, okay. So we have done the story now. So today we are going to work on the word meaning. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो word meaning मैं आपको underline करवा रहा हूँ book में बढ़ाते time मैं उसको भी explain करूँगा और उससे पहले जो word meaning books में दी गई हैं चलिए पहले इसे मैं explain करता हूँ आपको, okay? तो फर्स्ट इज बच्चों डेन डेन का मतलब होता है केव और इसका हिंदी में मतलब होगा मान या गुफा ओके बच्चों नेक्स्ट होगा हमारा अटेंशन या कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन या कॉन्ट्रे अटेंशन का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन ओके okay? और हिंदी में होगा मतलब ध्यान देना ओके क्लेवर क्लेवर का मतलब होता है चालाक या इंटेलिजेंट ओके शेकी शेकी का मतलब होगा बच्चों कमजोर ओके okay? या वूगली डिसीजन का मतलब होगा कंक्लूजन डिसीजन का मतलब निर्णय ओके एंड नेचुरल का नेचुरल का मतलब होगा नॉर्मल और हिंदी में इसे हम कहते हैं प्राकृतिक या सामान्य ओके सो आई हैव सम वर्ड्स ऑल्सो इन माई कॉपी सो लेट्स सी वॉट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉपी में अपनी कॉपी में डेट डालेंगे चैप्टर का नाम ओके द टीचर्स कब चैप्चर चैप्टर नंबर भी डालेंगे लेसन नंबर ओके एक डिवाइडिंग लाइन बनाइए बीच में वर्ड अदर साइड मीनिंग पहले आप अपनी जो वर्ड मीनिंग आपको बुक्स में दी गई है पहले उसे लिखेंगे उसके बाद हम यहां से शुरू करते हैं ओके okay, तो चलिए फर्स्ट है हमारा कब कब का मतलब होता है शावक या शेर का बच्चा ओके okay, शेर के बच्चे को हम कब बोलते हैं नेक्स्ट है क्रॉल क्रॉल का मतलब होता है बच्चों रिंगना रेंगने वाले जानवर होते हैं हमारे जैसे सांप होते हैं कीचुआ होते हैं ये रेंगते हैं ओके नेक्स्ट है हमारा बच्चों मैजेस्टी मैजेस्टी का मतलब होता है राजा साहब ओके और जब इसके साथ हम हिज मैजेस्टी या योर मैजिस्टी एड, एड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है जब हम किसी को सम्मान देते हैं जैसे महामहिम ओके नेक्स्ट होगा हमारा ट्रुथ ट्रुथ का मतलब होता है सत्य वी वे शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए ओके टिडी टीडी का मतलब होगा हो साफ या स्वच्छ ओके शेकी शेकी का मतलब होता है बच्चों कमजोर इनफ इनफ का मतलब हो होगा पर्याप्त ओके नेक्स्ट है हमारा क्राउंड क्राउंड हम का मतलब होता है ताजपोशी ओके या राज्याभिषेक हम बोलते हैं फॉरवर्ड फॉरवर्ड का मतलब होता है बच्चों आगे ओके नेक्स्ट है हमारा सौरव सौरों का मतलब होगा दुख ओके नेक्स्ट है हमारा चूजिंग चूजिंग का मतलब होगा छाटना या पसंद करना जब हम कोई चीज चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं ओके okay, तो उसे हम छाटना या पसंद करना कहते हैं नेक्स्ट है हमारा डिसीजन डिसीजन का मतलब होगा निर्णय ओके okay, और लास्ट है हमारा वाइज वाइज का मतलब बुद्धिमान या समझदार ओके सो नाउ द सेगमेंट ऑफ वर्ल्ड मीनिंग हैज डन नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मीनिंग के बाद कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में फर्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके okay? हमारा चैप्टर रीडिंग हो गया वर्ड मीनिंग हमने कर ली अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे आते हैं ओके सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर हु वाज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट ओके सो हम अपनी कॉपी में इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट और आंसर होगा द लॉयन वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट शेर जंगल का राजा था ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बच्चों हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग राजा का प्रधानमंत्री कौन था ओके सो आंसर होगा हमारा जयकौल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग सीआर राजा का प्रधानमंत्री था ओके वेरी गुड